उधर कांग्रेस की ओर से नोटबंदी पर हो रही बयानबाजी पर हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। साथ ही उन्होंने नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया। इस प्रकार से कांग्रेस इस प्रकार के बयानबाजी जो करती है लोगों को गुमराह करने के लिए करती है। न विपक्ष है न कांग्रेस है। अब कांग्रेस के लोगों के पास मुद्दा तो कोई है नहीं, लेकिन वो उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं। सरकार से कोई हम घर बनाते हैं, कोई घर एकदम बनने वाला नहीं है, उसमें समय लगता है, लेकिन उसके बाद हमारे बेटे भी रहेंगे, हमारे पोते भी रहेंगे। तो इसलिए नोटबंदी का भी यही है, जिस प्रकार से नोटबंदी की है डे बाय डे उसमें सुधार होता जा रहा है, लोगों की कठिनाइयां तो हैं वो कम होती जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इसके आने वाले समय में अच्छे परिणाम निकलेंगे।